नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। महाराष्ट्र की नवनिर्मित सरकार के प्रथम कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण किले रायगढ़ की मरम्मत के लिए लगभग 20 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। आज हम रायगढ़ के इसी किले के बारे में बात करने वाले हैं। भारत में मौजूद कई किलों के बारे में आपने या तो सुना होगा या फिर उन्हें देखा होगा, फिर चाहे वह दिल्ली का लाल किला हो या राजस्थान का भानगढ़ का किला। खास बात तो ये है कि भारत का हर किला अपने अंदर किसी ना किसी इतिहास को समेटे हुए है। एक ऐसा इतिहास जो सदियों से किलों की तरह एकदम जीवंत बना हुआ है। महाराष्ट्र में मौजूद रायगढ़ के किले को ही ले लेते हैं, वह भले ही सदियों पूर्व अस्तित्व में आया हो, लेकिन सच तो ये है कि आज भी वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आइए जानते हैं इस किले के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी। रायगढ़ किले को हिल फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये रायगढ़ की पहाड़ी पर मौजूद किला है, जिसका निर्माण कब हुआ यह बता पाना काफी मुश्किल है। फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 10वीं सदी के आसपास चंद्र राव मोरे के द्वारा इसे बनवाया गया था, और इसके बाद सन 1656 के आसपास मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी महाराज ने इस किले पर कब्जा जमाया। कुछ वक्त बाद उन्हें इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश लगी तो उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया और नाम बदलकर रायगढ़ रख दिया। वह यही नहीं रुके, 1674 में इन्होंने अपने राज्य की राजधानी तक इस किले को बना डाला। लेकिन दुर्भाग्यवश 1689 के आसपास मराठों ने इस किले को खो दिया। असल में इस दौरान मुगलों ने अपना कब्जा जमा लिया था। मुगलों के हाथ में आ जाने के बाद इस किले के नाम में एक बार फिर से बदलाव किया गया और अब इस रायगढ़ किले का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया गया। मुगलों के बाद करीब 1765 की बात थी, इस किले पर ब्रिटिश शासकों की नजर पड़ी। वह इस किले की सुंदरता से इतना अभिभूत हो गए कि इसको अपना बनाने के इरादे से मुगलों पर हमला कर दिया, और इस तरह 1818 में इस किले पर ब्रिटिश शासन का आधिपत्य हो गया। उनके द्वारा किए गए हमले में इस किले को काफी नुकसान हुआ और तब इसका अधिकतर भाग नष्ट हो गया था। 10वीं सदी में बना ये किला, जो लगभग पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया है, बावजूद इसकी प्रासंगिकता में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। इसके दीदार के लिए बड़ी संख्या में लोग आज भी वहां पहुंचते हैं, और इस किले को मुख्यतः 6 चेंबर में बांटा गया है। प्रत्येक चेंबर में एक प्राइवेट रेस्ट रूम बनाया गया था, वही जिस तरह से इस महल को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, वह भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र माना जाता था। ऊंची पहाड़ी में मौजूद होने के कारण यह महल मैदान के सामने से ही साफ दिखाई देता है, और इस किले के किनारे से गंगा सागर नामक एक झील भी बहती दिखती है, जो प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य का निर्माण करता है। इस किले में एक खास तरह का मार्केट भी है, जहां से आप कई तरह की चीजों को खरीद सकते हैं, और इस मार्केट की संरचना को इस तरह से निर्मित किया गया था कि आप यहां पर घोड़े की सवारी करते हुए भी खरीदारी कर सकते हैं। वहीं बात करें किले की सबसे ऊंची चोटी की, तो जमीन से लगभग 600 फुट की ऊंचाई पर इस किले की सबसे ऊंची चोटी है, जहां पर जाना संभव नहीं है। इसके लिए एक खास रास्ता बनाया गया था, जो कि इसके विशाल दरवाजे से होकर जाता है। वहीं अगर बात करें किले में मौजूद कुछ खास जगहों की, तो उसमें हिरकणी बुरुज की दीवार सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, जो सालों से वहां पर खड़ी हुई है। इस दीवार के खास होने के पीछे एक कहानी छुपी हुई है, जिस कहानी के द्वारा बताया जाता है कि किले के अंदर पास के गांव तलहटी के वालसर नाम की एक महिला हर रोज दूध बेचने के लिए आया करती थी। यूं तो वह हर रोज वक्त से वापस चली जाया करती थी, किंतु किसी दिन की बात है, उसे देर हो गई।
चूंकि किले के दरवाजे सूरज ढलने के साथ ही बंद कर दिए जाते थे, इसलिए वह उस दिन किले में ही बंद रह गई। अब समस्या यह थी कि सूर्यास्त के बाद किसी भी कीमत पर दरवाजा खोलने की अनुमति नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ बंद हुई महिला को अपने बच्चों के पास जाना जरूरी था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने आनंद फानन में वहां मौजूद एक दीवार को चढ़ने की कोशिश की। हालांकि वो सफल नहीं हो सकी, किंतु शिवाजी को इसकी जानकारी जब हुई तो उन्होंने उसे बाहर जाने की ना सिर्फ अनुमति दी बल्कि पुरस्कृत भी किया। आज भी वह दीवार यूं ही खड़ी हुई है जिसे महिला के साहस के साथ जोड़ करके जाता है। वहीं दूसरी जगह की बात करें तो टकमक टोक नामक दूसरी जगह इस किले पर मौजूद है, जो बहुत ही खतरनाक जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि इस जगह पर कैदियों को सजाए मौत के लिए फेंक दिया जाता है। हालांकि इस जगह को अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं अगर किले की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह की बात करें तो यहां शिवाजी की मां जीजाबाई की समाधि मौजूद है। रायगढ़ का किला एक लंबे ट्रेकिंग के शौकीन लोगों को भी बहुत पसंद आता है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ ट्रेकिंग करना मजेदार हो जाता है। इसकी चढ़ाई रोपवे में बनी हुई है जो कि पूरी 760 मीटर लंबी है। अगर आप इसकी चढ़ाई शुरू करते हैं तो यहाँ एक तरफ पहुँचने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। इस दौरान आपको शानदार हरे भरे सुंदर नज़ारे देखने का अनुभव मिलता है। इस लिहाज से यह किला पूरे रोमांच से भरा पड़ा है। शायद यही कारण है कि सैकड़ों सालों के बाद भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने पहले कैबिनेट फैसले में इस किले के जीर्णोद्धार के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। तो ये थी हमारी किलों से जुड़ी हुई श्रृंखला के अंतर्गत रायगढ़ किले की कहानी। हम फिर किसी ऐसे ही किले से जुड़ी हुई कोई कहानी आपसे साझा करेंगे, तो बने रहिए द खबरदार न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।